स्टार्ट। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मंडल बिजली की दर को मनोवांछित ढंग से तय नहीं कर सकता। किसानों को बिजली की आपूर्ति कम दरों पर आवश्यक है ही, उद्योगों को भी बिजली की दर ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती, क्योंकि उससे उत्पादित वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे। घरेलू उपभोक्ताओं में सभी संपन्न या मध्य आय वर्ग के नहीं हैं, बहुत बड़ी संख्या में कम आय वर्ग की ही है, इसलिए उनकी बिजली की दर को भी एक सीमा से ज़्यादा बढ़ाना ठीक नहीं है। एक अन्य दृष्टिकोण यह है कि विद्युत से उद्योगों में सृजित होने वाले रोजगारों और उत्पादनों को अगर देखा जाए, और इसी प्रकार कृषि में सिंचित क्षेत्र में वृद्धि और पैदावार बढ़ाने को देखा जाए, तो विद्युत मंडल का घाटा असहनी नहीं लगना चाहिए। छीजत और चोरी को रोकने, बकाया वसूली को असरदार बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाए, किंतु विद्युत दरों को विद्युत मंडल की लाभ हानि की बजाय सामाजिक उपयोगिता के संदर्भ में ही देखा जाए। बिजली संकट की स्थिति से उबरना प्रदेश के विकास के लिए आवश्यक है। गत वित्तीय वर्ष में प्रदेश में बिजली की कमी 417 मेगावाट आकी गई थी। हर वर्ष मांग में 10% की वृद्धि भी हो रही है। अन्य राज्यों में प्रदेश को मिलने वाली बिजली का हिस्सा कम हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं को त्वरित गति से पूरा किया जाना और नई नई परियोजनाओं की ओर ध्यान दिया जाना जरूरी है। जो परियोजनाएं निर्माणाधीन है, उनमें एक रामगढ़ की गैस आधारित परियोजना है, जहां 3 मेगावाट की इकाई शीघ्र उत्पादन शुरू करेगी और इसके बाद 35.5 मेगावाट की इकाई तैयार होगी। इस परियोजना का आगे विस्तार भी होना है। हालांकि गैस आधारित होने के कारण उसे गैस के आवंटन की प्रतीक्षा करनी होगी। एक अन्य परियोजना सूरतगढ़ ताप बिजली घर की है, जिसका काम बहुत देर से शुरू हुआ है। गत वित्तीय वर्ष में 130 करोड़ रुपए और नए वित्तीय वर्ष में 170 करोड़ रुपए के आवंटन को देखकर यह उम्मीद की जा सकती है कि परियोजना अपनी निर्धारित अवधि में पूरी हो जाएगी। नई परियोजनाओं में एक धौलपुर की है, जहां काम अभी आगे नहीं बढ़ पाया है। यह वास्तव में चिंता की बात है कि लिग्नाइट कोयले का भंडार होने के बावजूद पश्चिम
राजस्थान बिजली के अभाव की समस्या से त्रस्त है। सबसे बड़ी रुकावट संसाधनों की कमी है। इसे निजी क्षेत्र को बढ़ावा देकर दूर किया जा सकता है। एक तो विद्युत परियोजना में लागत अरबों रुपए की आती है और कई वर्ष उन्हें पूरा करने में लगते हैं। ऊपर से अनिर्णय की स्थिति में ही कई वर्ष निकल गए, जिससे अनुमानित लागत भी द्योड़ी दोगुनी हो गई है। यह भी विचारणीय है कि किसी विद्युत परियोजना के बारे में निर्णय होने, निर्माण कार्य पूरा होने तक की अवधि में उस क्षेत्र में विकास की गति अवरुद्ध रहती है। अन्य सुविधाएं होने और विभिन्न प्रकार का कच्चा माल भी होने के बावजूद औद्योगिक विकास अपेक्षित गति नहीं पकड़ पाता। यही नहीं, जैसा कि हर वर्ष गर्मियों में सामने आता है, बिजली की कमी पेयजल आपूर्ति को चौपट कर देती है। इसलिए विद्युत परियोजनाओं को तत्परतापूर्वक क्रियान्वित करने और पूरा करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।